जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, सुबह सुबह का टाइम था और माशाल्लाह परिंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और साथ साथ मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ था, यानी कि बादल बादल थे और साथ में ठंडी हवा चल रही थी। तो है शाम में तो यही था, सारी चीज़ें मैंने संभाल दी थी कि शायद शाम में बारिश आ जाए। बहरहाल जी, नहीं आई। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मौसम जो है कुछ इस तरह का बना हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो इन फूलों के ऊपर बहार आई हुई है वो तो सबसे अलग है। और मैं शायद व्लॉग इस टाइम पे ना ही बनाती। बहरहाल जी, जैसे ही मैं इस साइड पे आई, मैंने मुंह हाथ धोया, ब्रश वगैरह किया, तो इन फूलों की खुशबू आई थी मुझे। और मैंने कहा, हाय कितने मज़े दी खुशबू है, ज़रा मैं इतने व्लॉग बना ला। तो है यहाँ पर जी व्लॉग बनाया, और व्लॉग बनाने के बाद जो है बच्चों का भी टाइम हो रहा था साथ साथ स्कूल जाने का, क्योंकि अली की कल की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए वो तो आज छुट्टी करेगा। और मोहम्मद और साथ में जी फातिमा जाएंगे आज स्कूल, तो इसलिए मैंने उनको उठा दिया। मैं कहा पुत्र उठ पो, वो उन्हें ना हो जाए कि लेट हो जाओ। तो है बच्चे जो थे वो उठ गए हुए थे, कमरों में बैठे हुए थे, जैसे वो हम नहीं थे पुराने ज़माने में करते कि मामा उठा लेना तो फिर चट जरा अद्धा घंटा है ना, वो असा कभी इत्तल खुराक तो कभी इत्तल खुराक, असा वो बैक इंजन लगाना होंगे। तो खैर मेरे बच्चे तो वैसे नहीं करते, बहरहाल हम बचपन में इसी तरह से करते थे। तो खैर फातिमा जी बाहर आ चुकी थी, और बादल देख सकते हैं आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा जो हैं वो गहरे बने हुए हैं। और मैं इतना मज़े का मौसम था, मेरा तो दिल कर रहा था मैं वेड़े दे विच कुर्सी डाक इतने बह जा और ठंडी ठंडी हवा लूँ। खैर यहाँ पर जो फातिमा है वो मुँह हाथ धोने लगी थी, और मैंने कहा बेटा जान जल्दी कर लो, हैर नाल जल्दी जल्दी मुँह धो के आ जाओ, आ के तो हूँ यूनिफॉर्म पाओ। क्योंकि मैंने जी मदानी जो थी वो लगाई हुई थी, साथ मक्खन निकाल के रख लिया हुआ था, और अब मैंने सिर्फ नाश्ता ही बनाना था बच्चों का, और बच्चों को साथ साथ स्कूल के लिए भी देना था। तो इसीलिए ये भी होता है कि वैन वाला आ जाए और फिर बच्चों के लिए मसला ना बन जाए, तो खैर इसीलिए थोड़ा टाइम से ही उठना पड़ता है। तो है जी, ये तो सारे काम साथ साथ होते रहेंगे। और यहाँ पर जी मेरी एक सिस्टर यूट्यूब पे, एक सिस्टर ने किया हुआ था कमेंट के आप मुझे आलू और लोबिया की रेसिपी बता दें, और यकीन जाने बहुत ही इजी है, कोई वक्री साइंस सूंस को नहीं होंगी आलू लोबिया पकाने ली। बस तुसा जी लोबिया लेने, लोबिया ले आके तो उन्होंने चुन के तो पे छोड़ो, पे रखन तो बाद, पे के रखन तो बाद, यानी कि उसको भिगो दें। तो खैर उसके बाद जी आपने इस तरह से करना है कि सिर्फ और सिर्फ, मैंने उस दिन हंडिया में एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला था, सादा सा अदरक भी नहीं थी डाली, सिर्फ लहसुन और प्याज डालने के बाद उनको ब्राउन करने के बाद उनका अच्छे से मसाला बनाया। और मसाले में सिर्फ मैंने हल्दी, नमक और सुरख मिर्च और काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी। डालने के बाद उसकी अच्छे से मैंने आलू और लोबिया डाल के मसाले की बुनाई करने के बाद उनको दोनों को डाल के अच्छे से उनकी भी बुनाई कर ली, और बुनाई करने के बाद पानी लगा दिया। जितना आप खैर मुनासिब समझते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। तो खैर वो फिर जी हमारे घर में थोड़ा शुरू से ये है कि हमारे घर में रस्मी सी सी हांडी खाई जाती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा शोरबा हो। तो खैर हमने जी वो बनाया, और इस तरह से बनता है आलू लोबिया। पता नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि लोग कुछ और तरीक़ों से भी बनाते होंगे, बहरहाल मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। खैर यहाँ पर जी लोबिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा निकल आए हैं अलहदा अलहदा किस्मों के लोबिये हैं, तो इस लोबिये पे डिपेंड करता है कि आपका लोबिया किस तरह का है और किस वो जायके से बनता है। हर हमारा तो देसी लोबिया था। तो है यहाँ पर जी फजर जो थी वो भी बाहर आ चुकी थी, बच्चों को मैंने यहाँ पर स्कूल भेज दिया हुआ था। और फजर जो थी वो हमारे हमसायों का झंडा दे के कह रही थी जिंदाबाद मामा जिंदाबाद, तो मैं कहती है साढ़ा जिंदाबाद है, ऐ इतल गले च लग गया ना, सानू ये दिसदा है तो ना असी वेखन जोगे। तो खैर मैं क्या आओ अज तुम भी बहाल कैसा भी जिंदाबाद लाया इतने लाया, यानी कि झंडा लगाया हमने भी। तो खैर फजर को भी मैंने दिखाया, मैंने कहा फजर ये देखो हमारा इधर है। तो खैर फजर तो काफ़ी देर फिर उसके पास खड़ी रही, उसके पास खेलती रही। तो खैर यहाँ पर जी मैंने एक दफ़ा जूता पहनाया तो फिर मेरी ती ला के तो अल्लाह ला, मैं कहा तू नंगी पैरी हेली गई है, मैं चल हाँ जूती पा। तो खैर डांटने डपटने के बाद जो है मैंने इसको जूता पहनाया, और फिर भी मेरी ती सोची पई सी कि माँ होरे मारिया क्यों नहीं, मैं कह ला लेंदी तो बेहतर सी। तो है यहाँ पर जी बच्चे जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़िद करते हैं, तो फजर नू तकरीबन आदत ही पै गई नंगी पैरी रहन दी। तो है जब भी मेरा तो ध्यान पड़ता है मैं तो इसे डांटती हूँ कि जूता पहनो जूता पहनो, नहीं तो मेरे यार पैर बड़े हो जाने फिर जुत्ती भी नहीं पूरी होनी। खैर यहाँ पर
फजर को जो है जूता पहनाने के बाद जो है मैं चली गई थी अंदर, और अंदर जाने के बाद छोटे मोटे काम थे वो किए, और यहाँ पर जी आज अली जो है वो घर पे है। यकीन करो सुबह जो तो स्कूल जाने का टाइम सी ना, उस टाइम इस मुंडे ने साह नहीं लिया, यानी कि साह इस गलू नहीं लिया कि ये आराम सुकून नाल प्यार है, बस मंजे के उत्ते प्यार है। बस जिवें ही वह फातमा ते नाल मुहम्मद स्कूल की वैन ते बहन की देर है, माशाल्लाह ये फिर उठे है मंजी तू, इन्हें तो फिर हाय हाय ये कोई इस मुंडे ने दुनिया जान दियां गल्लां कर छड़ियां ने, मामा अंज ते मामा हो, हाय हाय मैं हाँ पुत्र मेरा ते नाना सिर खा, पुत्र तेनू बहार आराम नाल जा के लेट जा, पर हल बच्चे कहाँ मानते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा ये कभी कभार बोलता है, तो मैं नहीं जो बीमार हों तो कोई एक्स्ट्रा ही बोलता है, यानी कि सवाल जो अभी नहीं मुकते। तो खैर यहाँ पर मैंने डांट के उसको कमरे में भेजा, मैंने कहा जाके आराम से लेट जाओ, नाश्ता कर लिया, मेडिसिन देती हूँ, आराम से सो जाओ। तो खैर वो कहाँ भी लिखा है कि बच्चे एक दफ़ा माँ प्यो आखे तो मान लें। तो यहाँ पर जी बारिश जो थी वो बरसना शुरू हो गई हुई थी, और थोड़ी थोड़ी जो बारिश है वो बरस रही थी, यानी कि बूंदाबांदी हो रही थी, और साथ साथ यहाँ पर गली का व्यू बहुत ही प्यारा था, है तो ऑल ओवर बहुत प्यारा था, ऑल ओवर ही होता है। तो खैर यहाँ पर बहुत ही प्यारा था गली का भी और हमारा छत का भी, और ये सारा का सारा जो था व्यू मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और साथ साथ जी ए साढ़े घर की वड्डी वडेरी पुप्पो कह रहे थे मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, तो लाइबा मैंने तीए जाते हैं कुट दें, तो मेरी धी पहला दादो लियो मैं कुटनी है। तो खैर दादो को यहाँ पर जी दबा रही है, यानी कि दादो की टांगों को ये दबा रही है ताकि दादो को आराम आ जाए, दर्द से थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो खैर यहाँ पर जी अली और मैं जो थे वो एक दूसरे को तंग कर रहे थे, और तंग इस हिसाब का कर रहे थे अली लोगों के जी जूते टूटे हुए हैं स्कूल के, मोहम्मद का तो है टूट गया हुआ था, वो तो छुट्टियों से पहले ही हमने फेंक दिया, अली का जो था वो ठीक था, बरहाल अली को जो है छोटा हो गया था, ये फर्स्ट डे पहन के गया तो इसके आगे से पाँव दर्द थे, कह रहा था मामा जूता तंग करता है, यानी कि पाँव जो हैं वो दर्द करते हैं। तो खैर बोला कि सैंडल दो दिन पहन के जाओ फिर इंशाल्लाह जूता ले आएंगे। तो आज जी दादो के साथ जाना था, इन्होंने दादो और चाचू के साथ जूते लेने, और यहाँ पर हिसाब ये हो रहा था कि अली कह रहा था दादो कब बाजार जाना है, एडा को साडा मुंडा बेचैन है ना कि राम सुकून नाल बहना ही नहीं, पुप्पो आखा पुत्र दुकाना तो पूरियां खोल लें, तो दादो कि तू जाना है शहर, दादो कि तू जाना है शहर। तो उन्हें कहा पुत्र क्यों, मैं कहा इनू तुसा कद ही लार ला ली, इनू क्यों नाल लैके जाना है। तो मेरा पुत्र अगू बोलिया कहता दादो से समान ही ना उठाया जाता, तो वो सारा समान मैंने उठाना है। तो मैं कहा पुप्पो यार थोड़ा चुके था मनू लै जाओ, मनू नाल लै जाओ, मैं चोखा चुका दी। तो खैर मैं अली को तंग कर रही थी, तो कह रहा था नहीं नहीं मम्मा ये देखे मैं आपकी चारपाई भी उठा लेता हूँ, तो मैं उठा लूँगा सामान। तो खैर पुप्पो कह रही थी आप ही माँ पुत्र सलाह कर लो, हूँ माँ ने जाना है कि पुत्र ने जाना है। तो पुप्पो भी खैर उससे तंग कर रही थी, और मैं कह रहा मैं ही जाना है। तो खैर यहाँ पर अली कितने लिखे कि मांझे। तो है यहाँ पर जी बाज़ार से होके आ चुके थे, और साथ साथ बच्चों के जूते लिए, और साथ साथ जी पुप्पो ने उम्रे के लिए चीज़ें ली थी, यानी कि जो कि वहाँ पे उनको जी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, इसीलिए पुप्पो ने वो चीज़ें ली हैं। और साथ साथ सिस्टर ने बोला था कि खाना हमारा अपना होगा, इसीलिए आप दूध भी ले लीजिएगा, पत्ती भी ले लीजिएगा, और पुप्पो मेरी नाल चीनी भी ले ले। तो है यहाँ पर छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें थी जो कि पुप्पो ने लानी थी, और इसीलिए पुप्पो गई हुई थी क्योंकि वहाँ से खुला दूध तो शायद मिलता ही होगा, बरहाल जड़ा बंदा इथू पाकिस्तान तो जाए ना उन्हें थोड़ा घट ही पता लगता है कि कितों लगता है। तो है सूखा दूध इसीलिए लेके जा रही हैं कि हम जब भी दिल करे चाय बना के पी लें। तो इसी तरह से छोटी मोटी चीज़ें लाई, और ये एक अपना अहराम के तौर पर ये वाइट ड्रेस लेके आई थी जो कि अभी स्टिच होने के लिए देना है, तो इसीलिए पुप्पो कह रही थी है सोना है कि इंजे ही है, मैं कह नहीं सोना है अपनी मर्जी का लेके आए प्यारा है, जाहिर है अगर किसी को एक चीज़ अच्छी लगती है तो वो अपनी पसंद से ही लेके आता है ना, तो फिर बंदा क्यों ना दिल तोड़े। तो खैर यहाँ पर है भी प्यारा था, मैं ये नहीं कि अब उनका दिल रखने के लिए बोल दिया, नहीं भाई कढ़ाई अच्छी थी मुनासिब सी, बहुत एक नीट क्लीन सी थी, छोटे छोटे फूल थे, प्यारी थी डिसेंट सी। तो है यहाँ पर जी अब्दुल्ला जो था वो एयर फ्रायर को ओपन कर रहा था, तो ए मेरे भ्रा ने जदों का सानू लिया के रख दिता है ना, असा उदू का इन्होंने छापरा पैक पुक पक करके रख छड़िया है, उन्हें कहा तुसा तो बनाना नहीं उन्हें दो हज़ारा को मैं अज ये बनाना। तो है मेरा तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था इसमें बनाने का, और ना ही बनाया कभी,
ये फर्स्ट टाइम था। और यहाँ पर जी अब्दुल्ला ने लाया था साथ साथ चिकन, जो कि कह रहा था कि आप इसमें एयर फ्रायर में बना के बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। तो खैर ये मेरा वीर मेरे तो गया जल्दबाजी, हाय हाय। उन्हें फिर फटाफट एक बोटी नु लाया, लूण मराज तो ने कहा लियो, हाँ वेख्या जो हूने बन के बिन। मैं क्या हाय वे खलो जा रच तो लैन दे, लूण मराज नीचे सही जजब तो हो लैन दे। उन्हें कहा नहीं आप वेख्या जो बड़ा मज़ेदार बनेगा। खैर मेरे तो गया बेसकूना। तो यहाँ पर जी वो बना रहा है और साथ साथ चिकन को मसाला वगैरह लगा दिया हुआ था और वो उसको रखेगा एयर फ्रायर में। और साथ साथ जी यहाँ पर जैसे ही एयर फ्रायर में उसने लगाया चिकन को, और साथ साथ फिर मेरे प्राणू ए भी याद आया इसके, हाय ये नाल कभी चिप्स होंगी ना तो होर मज़ा आना। तो पुप्पो क्या तू पहला क्यों नहीं कट्टी, तू पहला नाल कट लैनी सी ते फिर दोवे छेवां कट्ठियां लानियां सन। तो खैर देर तो अभी भी नहीं थी हुई, तो वो कह रहा था बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर पुप्पो को दिए आलू ताकि वो काट दें, और यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद टाइम वगैरह हीट वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हमने लगा दिया था। और ए मेरे हाल है तो 20 मिंटां 15 मिंटां च ए दी शक्ल सी। मैं क्या हाँ आजी ए तो काम बड़ा ही सौखा है। तो खैर यहाँ पर जो है उसकी साइड चेंज की, और साथ साथ में जी आलू पुप्पो ने काट दिए थे दो के, उनको भी अच्छे से थोड़ा ड्राई करके तो हमने डाल दिए। मैं कहा चलो हुण पे पको। तो इतने इन्ना को मेरे वीर ने तेल ला छड़िया से ना, मैं जे इन्ना तेल ये लाना है तो फिर तू कढ़ाई अच्छी फ्राई कर लै, तेन एडा कदा वहत पे है। हाय हाय दुनिया के दुख और सुख। खैर यहाँ पर जी यहाँ पर हमने चिकन को धो लिया था, दूसरा जितना भी चिकन था उसको मैंने मसाला लगा दिया हुआ था। मसाला लगाने के साथ साथ जो है एक साइड पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और एक साइड पे मैं दाल बना रही हूँ। कल तो हमारा प्रोग्राम था सुबह अरवी पकेगी, बहरहाल जी अरवी नहीं पकी वो इसलिए क्योंकि जी पुप्पो ने बोला ऑलरेडी चिकन तो है ही है, तो फिर सब्जी को एक दिन हटा दो उसकी जगह दाल बना लो, जिसने खानी हुई चिकन के साथ खा लेगा या फिर दाल के साथ खा लेगा। तो खैर वो साथ साथ दाल चढ़ाई थी। हाँ मंजी का वाकया यकीन करो तो भैन कल है मंजी पान छड़ी है, तो मैं भी नहीं समझ आई है किड़े तरीके नाल भजी है, क्योंकि इस मंजी तो जड़ा जुदू ही बहना सी ना ची ची तो पहला कर दी सी, पर बदनाम है मैनू कर गई। यानी कि मैं इसके ऊपर लेटी हुई थी, साथ में लाइबा सफाइयाँ कर रही थी, उसके लिए मैं सामने थी लाइबा के कि कहीं से ये काम गलत ना करे। तो खैर मैं तो लेटी लेटी हुई थी दरवाजे के बिल्कुल सामने, ये हमारी चारपाई होती है, तो मेरी फजर मैडम आके मेरे कोल इंज लेटी है। मैं क्या फजर उथे टुट जाए, अगे बेचारी ची ची कर रही है। तो यकीन जाने फजर अभी बैठी ही है, जिन्होंने आख लो ईद उत्ते हले बेचारी बैठी होनी है। तो आ मंजी पिछा पिछा मैं क्या हाय लै बस सानू फड़ लिया असी तो डिग पे। यानी कि समझ नहीं आई, उसकी जितनी भी चूल्हे वगैरह आई थी वो सारी टूट गई। मैं क्या तू ची ची तो अगे भी कर दी सै, बदनाम सानू कर गई है कि बाजी ने मंजी त्रोड़ छड़ी। तो है एक चीज़ की जिनी मुनियाद उन्हें उन्ना चेर ही कटना है, वो वादा नहीं कटती। तो यहाँ पर पुप्पो को बताया, पुप्पो ने कहा माँ सदके जाती है ला ला के दरेड़ दरेड़ के रखी है वहाँ, तो उन्होंने नेड़े कोई लगता ही नहीं। मैं क्या हाए ऐ जो मावा को पता लग जाए ना इनका काम हो गया, फिर मावा छित्तर भी मार दिया ने इनके मिठे मिठे, तो मैं क्या हाए तुसी भी मार लो फिर हूँ मैं की कर दी भाई, मेरा कोई अपना कसूर थोड़ा है ना, तुसी दसो मेरा कोई कसूर है ऐसी एवं। बस पुप्पो जान भी कभी कभी गर्म हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर पुप्पो कह रही थी चल हाँ मैं जरा दौन दरूण उधेड़नी है ना, तो इस वेले मेरे नाल बह के ना तो यह सारा वाण दरेड़ आदि, तो मैं चलो वो तो फिर सेले आए दी तो पता लगेगा। तो यहाँ पर जी मैंने चढ़ा दी हुई थी खीर, क्योंकि पुप्पो जो है वो काफ़ी दिनों से कह रही है कि नमकीन खीर बनानी है, तो जाहिर है बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, सारे गए हुए हैं और सिर्फ हमारे घर में फजर और अली ही दूध पीता है, तो इसीलिए दूध माशाल्लाह से था। और पुप्पो ने कहा कि एक दफ़ा खीर बनाओ और वो भी नमकीन, और नमकीन खीर जो है वो मेरी यानी कि मेरी जो बहन बहन कह लूँ या सादे अल्फाज में आपको समझाने के लिए कह दूँ कि मेरी जो ननंद थी यानी कि अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी नमकीन खीर, तो इसीलिए पुप्पो लोगों को भी शुगर है तो इसीलिए वो यही सोच के बनवाती हैं कि नमकीन खीर होगी, उसके ऊपर अगर किसी ने मीठा डाल के खाना हुआ तो खा लेगा, यानी कि चीनी गुड़ पा के तुम खा सकते हो मीठे की अगर तुम्हें क्रेविंग हो रही है, तो इसीलिए जी नमकीन खीर बनाती हैं और वो वैसे भी खा लेती हैं। तो जे असी मीठा पा लिए तो फिर इन्ना कुछ सानू गल्ला कर देन, तो इन्ना मीठा पा छड़े हूँ साडा ये की कसूर है, तुम्हें शुगर है, तो शुगर वाले बंदे हूँ जी मीठा एक्स्ट्रा इजाफी लगता है। तो खैर यहाँ पर जी मैंने खीर साथ साथ बना रही हूँ और साथ साथ मैंने बच्चों के लिए जो चिप्स थी वो रख दी बनने के लिए, और तुसी यकीन करो ए एवें चोचले जे
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿਕਨ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਥਾ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਅੱਛੇ ਸੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਈ ਥੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਦਾਲ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਦਾਲ ਗਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਹਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਵੇ ਨਾਸ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਪੋ ਜਾਣ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਮੈਨੇ ਲਗਾ ਦੀ ਥੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੀ ਜੋ ਚਿਪਸ ਥੀ ਵੋ ਮੋਟੀ ਥੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਚੀਰਨ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਥਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੈਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਫਜਰ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਖਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਸਕੋ ਮੈਨੇ ਦਿਆ ਚਿਕਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਕਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਖਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਫਜਰ ਮੈਡਮ ਖਾਧਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਐ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਪਿੱਧੀ ਜੀ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਥੀ ਇਸਕੇ ਪਾਪਾ ਕੀ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ ਬਣਾਏ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਬੋਟੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਰਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਜਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਮਾ ਮੇਲੀ ਬੁਲਾਏ, ਮਾਮਾ ਮੇਲੀ ਬੁਲਾਏ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਜਾਈਆਂ। ਤੋ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੌੜੀ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਂਭ ਛੋੜੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਮੈਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਔਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਹਿਨ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨੇਰ ਕੋ ਭਕੇਰੇ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਚੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਲਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਵਲੋਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੇ ਵਲੋਗ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਦੁਆਓ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਝੇ ਸਿਹਤ ਦੇ।